माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में आज होने वाला है दुनिया का सबसे खतरनाक चैलेंज, और ये चैलेंज का नाम है चूज द डोर चैलेंज। और ये चैलेंज के अंदर रहेंगे पूरे के पूरे 36 डोर, और इन तीनों में से हमें बस एक डोर को चूज करना है। और दरवाजा ओपन करने के बाद उसमें से निकलेगा एक रैंडम पोकेमॉन, और फिर हम मास्टर बॉल की मदद से उस पोकेमॉन को कैप्चर कर सकते हैं। और इसी तरह मुझे अपने पोकेमॉन की टीम को कम्प्लीट करना है, और फाइनल के बैटल में मुझे बैटल करना पड़ेगा दुनिया के सबसे खतरनाक प्रोफेसर प्रोफेसर ओक से। और ये वीडियो देखने के बाद आपको भी बहुत मजा आने वाला है, और इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, वेलकम बैक गाइस, और मैं हूं आपका दोस्त टेक्नोब्रिट। तो आज मैं करने वाला हूं चूज द डोर चैलेंज, जो कि सही में बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए इस गेम को स्टार्ट करते हैं। और ओके गाइस, और ये रहा तीन पोकेमॉन की डोर, और इसमें से ब्लू, रेड एंड पिंक कलर, और इसमें लिखा है 2 फुल्ली वॉल्ट 1 लेजेंडरी जनरेशन 1, 3 एंड 5। ओके यार, समझ गया। और ये तीनों डोर में से एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और 2 फुल्ली वर्ल्ड पोकेमॉन है, और इसका मतलब है कि रेड वाला 3rd जनरेशन का है और पिंक वाला 5th जनरेशन का एंड ब्लू वाला 1st जनरेशन का। तो अगर ब्लू में देखा जाए तो उसमें से निकलेंगे हमें बस एक लेजेंडरी पोकेमॉन, वो है आर्टिगोनो। और रेड कलर में ग्रोडन एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि जनरेशन 3rd में आता है, और पिंक में आता है हमारा जेनिसेक जो कि 5th जनरेशन का है लेकिन वो पर्पल कलर का है। और ओके गाइस, मैं अपने इंटेलिजेंट के मदद से चूज करने वाला हूं ब्लू कलर। अरे ये क्या ब्लास्टोइज। और ओके गाइस, मुझे जनरेशन 1 का स्टार्टर पोकेमॉन ब्लास्टोइज मिला है, और इसका मतलब है कि बाकी डोर के अंदर एक लेजेंडरी पोकेमॉन हो सकता है। ओके गाइस, यहाँ पे हुए इनका लेजेंडरी पोकेमॉन ग्रोडन है, और यहाँ पे पिंक वाले डोर में ऑडिनो पोकेमॉन जो कि फेयर टाइप का है। चलो यार, मुझे ब्लास्टोइज को मिला है, और फाइनल गाइस मैंने अपने मास्टर बॉल की मदद से पकड़ लिया है ब्लास्टोइज को। और चलो गाइस, पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट डोर के पास, और हमारे नेक्स्ट डोर में लिखा है 1 फुल्ली वॉल्ड 2nd डोंट इवॉल्व जनरेशन 3, 2 एंड 3। इसका मतलब येलो 3rd जेन का है, ब्लू 2nd जेन का एंड ग्रीन 3rd जेन का। और मुझे अपने माइंड के हेल्प से चूज करना पड़ेगा एक फुल्ली इवॉल्व वाले पोकेमॉन को। और पता नहीं यार, ये तीनों कलर में से कौन सा पोकेमॉन फुल्ली इवॉल्व वाला पोकेमॉन है। और गाइस, अगर मैं जनरेशन 3rd से जाऊँ तो मुझे मिल सकता है ब्लेजिगन पोकेमॉन, और अगर मैं ब्लू में जाऊँ तो मुझे मिल सकता है पॉलीवॉल या फ्लैरीगेटर, और अगर मैं ग्रीन में जाऊँ तो मुझे मिलेगा ग्रास टाइप पोकेमॉन, ग्रोवाइल या स्क्रेप्टाइल। तो तीनों में ही सबसे अच्छे पोकेमॉन मिलने वाले हैं, तो इसलिए मैं चूज करने वाला हूं येलो कलर को। और ओके गाइस, मुझे मिला है मैनेट्रिक जो कि फुल्ली इवॉल्व पोकेमॉन है, और फिर मैं मास्टर बॉल के हेल्प से पकड़ लेता हूँ मैनेट्रिक पोकेमॉन को, और देखते हैं बाकी तो दरवाजे के अंदर कौन सा पोकेमॉन था। और यहाँ पे मिला है टोटोडाइल जो कि 2nd जेन का पोकेमॉन है, और देखते हैं ग्रीन में क्या है। ओके, और ग्रीन में 3rd जनरेशन का पोकेमॉन ट्रिको। और चलो गाइस, अच्छा है मैंने ये डोर को चूज ही नहीं किया। और चलो गाइस, पहुंचते हमारे नेक्स्ट डोर के पास, और ओके गाइस, मैं पहुंच चुका हूं हमारे 3rd स्टेज के अंदर, और यहां पर है एक लेजेंडरी पोकेमॉन, 2 इवॉल्व स्टार्टर पोकेमॉन जनरेशन 1, 2 एंड 4 के। और गाइस, अगर ब्लू में देखा जाए तो इसमें से लेजेंडरी में होगा आर्टिगोनो, और इवॉल्व स्टार्टर पोकेमॉन में होगा ब्लास्टोइज जो कि मेरे पास पहले से ही है, और अगर ऑरेंज में देखा जाए तो इसमें से होगा टाइफ्लोजन, और अगर लेजेंडरी में देखा जाए तो इसमें से होगा हो पोकेमॉन। और फिर आता है ग्रीन कलर, और इसमें से हो सकता है अपना टॉर्टेर पोकेमॉन, क्योंकि जनरेशन 4th में कोई ग्रीन कलर का पोकेमॉन नहीं है, और इसलिए मैं अपने पोकेमॉन के स्किल के हेल्प से चूज करने आ रहा हूं ये डोर को। और गाइस, ऑरेंज कलर के डोर को चूज करने के बाद मुझे मिला है टाइफ्लोजन पोकेमॉन, और इसका मतलब ये है कि ब्लू कलर में होगा एक लेजेंडरी पोकेमॉन, और फिर मास्टर बॉल से मैं टाइफ्लोजन को कैप्चर कर लेता हूं। और इसका मतलब ये है कि ग्रीन में होगा टॉर्टेरा पोकेमॉन। ओके, मतलब ये वाला गेस तो सही था, और शायद ब्लू में होगा जनरेशन 1 का लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिगोनो। और शायद लगता है कि मुझे ब्लू वाला डोर को ही चूज करना चाहिए था। और चलो गाइस, पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट डोर के पास, और गाइस, ये वाला डोर में लिखा है 2 मेगा 1 जी मैक्स जनरेशन 1, 3 एंड 8। और गाइस, इतना तो पता है जनरेशन 3rd में एक भी कोई जी मैक्स पोकेमॉन नहीं है, और शायद ऑरेंज कलर में हो सकता है मेरा फेवरेट पोकेमॉन जी मैक्स चारिज़ार्ड, और शायद येलो में हो सकता है जी मैक्स सिंड्रेस पोकेमॉन, लेकिन येलो में कोई मेगा पोकेमॉन नहीं हो सकता, और इसी तरह रेड में कोई जी मैक्स पोकेमॉन नहीं हो सकता, तो इसलिए शायद से मुझे जाना चाहिए ऑरेंज में, क्योंकि मुझे शायद मिलेगा उधर जी मैक्स पोकेमॉन चारिज़ार्ड। और गाइस, कुछ टाइम वेस्ट करने के बाद फाइनली मैं पहुंचता हूं ऑरेंज के पास, और गाइस, मुझे मिला है मेगा चारिज़ार्ड बॉय। चलो कोई नहीं गाइस, जी मैक्स नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मुझे मिला है मेरा फेवरेट पोकेमॉन चारिज़ार्ड, और फिर इसके बाद मैं कैप्चर कर लेता हूं चारिज़ार्ड को। और चलो गाइस, पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट डोर के पास, और गाइस, हम अपने सेकंड लास्ट डोर के पास पहुंच चुके हैं, और इसमें से लिखा है 1 नॉन इवॉल्व पोकेमॉन 2 लेजेंडरी जनरेशन 2, 5th एंड 6। तो इसमें से शायद ब्लू में होगा लुगियो पोकेमॉन या और भी कोई पोकेमॉन हो सकता है, और शायद पिंक कलर में होगा जेनिसेक्स या केल्डियो पोकेमॉन, और अगर मैं चूज करूं ग्रीन को तो शायद से मुझे मिलेगा जैगरेट पोकेमॉन, और गाइस, अगर मैं गलत रहा तो मुझे मिलेगा एक नॉन इवॉल्व पोकेमॉन, और शायद से मुझे जेनरेशन 6 के डोर से जाना चाहिए, और मुझे मिला है यहाँ पे जैगरेट पोकेमॉन। और फाइनल गाइस, मुझे मिथिकल एंड लेजेंडरी पोकेमॉन तो मिल चुका है, और इसलिए मैंने मास्टर बॉल की हेल्प से जल्दी से जल्दी जैगरेट को कैप्चर कर लिया। और गाइस, देखते हैं हमारे बाकी दो डोर के अंदर कौन सा पोकेमॉन छिपा है, और गाइस, ये कौन सा पोकेमॉन यार, ये आप हमें कमेंट में बताएं। और अगर मैं ब्लू को चूज किया होता तो मुझे मिलता स्वीकिंग पोकेमॉन। और कोई बात नहीं गाइस, चलो पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट डोर के पास, और गाइस, ऐसे गेम खेलते खेलते मैंने पकड़ लिया अपने 5 पोकेमॉन को, और देखते हैं हमें लास्ट वाले पोकेमॉन में क्या मिलता है। और गाइस, ये वाला है हमारा आखिरी और लास्ट वाला डोर, और इसमें लिखा है 2 फुल्ली वॉल्ड 1 मेगा
जनरेशन 1, 4 एंड 7। तो जनरेशन 1 में कोई मेगा पोकेमोन हो तो उसमें से होगा पिजियोट, चारिज़ार्ड या शायद से खंगस्कान। और हाँ गाइस, जनरेशन 4 में कोई मेगा पोकेमोन तो नहीं हो सकता, बस स्टिलिक्स को छोड़कर। और हाँ, जनरेशन 7 में कोई भी मेगा पोकेमोन शायद से नहीं आता, तो मेरा प्रोफेसर का माइंड ये कहता है कि मुझे जाना चाहिए येलो वाले डोर के पास। और अगर मैंने येलो को चूज किया तो शायद से मुझे मिल सकता है एक मेगा पोकेमोन या शायद पिकाचू या ककुना। और इसी सोचने के बाद आखिरकार मैंने चूज कर लिया है येलो वाले डोर को। और फाइनल गाइस, मुझे मिला है मेगा बेडरिल, और इसलिए मैंने मास्टर बॉल फेंकने के बाद इसे जल्दी से कैप्चर कर लिया। और फाइनल गाइस, आखिरकार मैंने अपने सारे पोकेमोन की टीम को कम्प्लीट कर लिया है। और गाइस, ये रहा मेरे पोकेमोन की बेस्ट टीम। और गाइस, मैं पूरी तरह प्रोफेसर ओक से बैटल करने के लिए रेडी हो चुका हूँ। और गाइस, फिर मैं निकल पड़ता हूँ प्रोफेसर ओक से बैटल करने के लिए। और गाइस, शायद से लगता है कि प्रोफेसर ओक यूज करने वाले हैं डायनामिक्स बैंड को। और गाइस, बैटल के स्टार्ट होते ही मैंने सेंड किया अपने फेवरेट पोकेमोन चार्जर्ड वाई को, ताकि वो प्रोफेसर ओक के पोकेमोन को जल्दी से हरा सके। और गाइस, किंगलर को हराने के लिए मैंने चार्जर्ड यूज करा था फ्लेम थ्रोअर, लेकिन फिर भी किंगलर को कुछ भी इफेक्ट नहीं गिरा, और इसलिए मैंने ड्रैगन ग्लोर की वजह से किंगलर को बहुत डैमेज दिया। और लास्ट के स्मैश अटैक और स्लैम अटैक की वजह से हम दोनों के पोकेमोन एक साथ ही फेंट हो गए, और ये सब मेरे साथ फर्स्ट टाइम ही हुआ था। और फिर मैंने सेंड किया जायग्रेड पोकेमोन को, और प्रोफेसर ओक के पास था म्यूटू, और ये दोनों सबसे खतरनाक एंड पावरफुल पोकेमोन है। और गाइस, ये मैच हो रहा था दुनिया के सबसे खतरनाक मिथिकल एंड लेजेंडरी पोकेमोन के बीच, लेकिन गाइस, इसका म्यूटू बार बार साइकिक अटैक यूज कर रहा था, लेकिन मेरे जायग्रेड पोकेमोन को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फाइनल के आउटरेज और ड्रैगन टेल की मदद से ये मैच का विनर है अपना जायग्रेड पोकेमोन, और इसी तरह जायग्रेड के हेल्प से मैंने एक मैच जीत लिया। और गाइस, नेक्स्ट राउंड में प्रोफेसर ओक ने सेंड किया उसका डार्क टाइप पोकेमोन को, जो कि सबसे बेस्ट डार्क टाइप पोकेमोन है। और गाइस, पीछे वाले म्यूटू के साथ बैटल करने के बाद मेरा जैगेट बहुत ही थक चुका था, और इसी कारण के चलते उसके डार्क राय ने मेरे जैगेट को इजीली हरा दिया। और गाइस, डार्क टाइप पोकेमोन को हराने के लिए मैं सेंड करता हूँ मेरा मेगा बेडरिल। और गाइस, डार्क राय का सबसे खतरनाक वीकनेस बग टाइप है, और इसी बात का फायदा उठाने के लिए मैंने यूज किया बग बस को, जो कि बग टाइप एंड बेडरिल का सबसे खतरनाक अटैक है। और कई टाइम ऐसे अटैक करने के बाद फाइनली मेरे बेडरिल ने इसे हरा दिया, और इसी तरह मैं अपने दो मैच जीत चुका था। और गाइस, ये वाले राउंड में प्रोफेसर ओक सेंड करता है स्लोबरो को, जो कि एक वाटर एंड साइकिक टाइप पोकेमोन है, लेकिन साइबीम और हाइड्रोपम के अटैक से मेरा बेडरिल बहुत ही कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी पॉइजन स्टिंग के अटैक से मैच जीत जाता है मेरा बेडरिल पोकेमोन। और गाइस, प्रोफेसर ओक ने सेंड किया मेगा गेंगार को, लेकिन गाइस, गेंगार के कर्ज के कारण मेरा बेडरिल इसमें हार जाता है, और इसलिए मेगा गेंगार को हराने के लिए मैं यूज करता हूँ टाइफ्लोजन पोकेमोन को, और मेरे पोकेमोन के हीट वेव के अटैक से गेंगार इसमें हार जाता है। और गाइस, लास्ट के राउंड में प्रोफेसर ओक सेंड करता है उसके आरसीएस पोकेमोन को, और गाइस, आरसीएस का एंट्री सबसे खतरनाक तरीके से हुआ था, और पता नहीं यार इसके पास आरसीएस कैसे आया। और गाइस, आरसीएस के आने के बाद उसने मेरे टाइफ्लोजन को इजीली हरा दिया, और फिर इसके बाद मैं आरसीएस को हराने के लिए सेंड करता हूँ मैग्नेटिक पोकेमोन को, तो शायद से वो अपने इलेक्ट्रिक पावर से आरसीएस को पैरालाइज कर दे, लेकिन ये वाला मैच भी मेरा पोकेमोन हार जाता है। और फिर मैं सेंड करता हूँ मेरा लास्ट पोकेमोन ब्लास्टोइज, लेकिन पनिशमेंट अटैक वजह से ब्लास्टोइज ये मैच हार जाता है। और फाइनली मैच का विनर अपना प्रोफेसर ओक। और गाइस, आरसीएस की हेल्प से प्रोफेसर ओक ये मैच इजीली जीत चुका है। और गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।